पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच हमीरपुर में राजनीति गर्मा गई है। इसी के चलते हमीरपुर बीजेपी मंडल के महामंत्री हरीश शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा बीजेपी को सौंप दिया है। बता दें कि हरीश शर्मा लगातार 9 सालों से मंडल बीजेपी महामंत्री के पद पर काबिज रहे हैं और धूमल के हमीरपुर विधानसभा छोड़कर सुजानपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों पर आहत होकर हरीश शर्मा ने पद से इस्तीफा दे दिया है। हरीश शर्मा का कहना है कि जब पूर्व सीएम धूमल ने हमीरपुर में ही कार्यकर्ताओं के साथ काम किया और अब अचानक ही सुजानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला सही नहीं है और इससे कार्यकर्ता आहत हुए हैं, इसी के चलते पद से इस्तीफा दे रहा हूं। हरीश शर्मा ने कहा कि धूमल ही बतौर मुखिया घोषणा तक नहीं हो पा रही है और न ही हमीरपुर से चुनाव लड़ने के लिए भी कोई फैसला नहीं हो रहा है, तो इससे कार्यकर्ता भी निराश हैं, जिसके चलते विधानसभा के पूरे कार्यकर्ता पूरी तरह से आहत हुए हैं। बिल्कुल ठीक, कल मैंने घर पे, कल छुट्टी थी, संडे का दिन था और सारा दिन पूरी विधानसभा क्षेत्र से लगभग मुझे 400 फोन आया और उन फोनों में मुझे यही पूछा गया कि आप आज तक हमें ये बोलते रहे कि हमारा विधायक जो है वो मुख्यमंत्री होगा और अभी तक घोषणा नहीं हो पा रही है, तो क्या कारण है। और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री तो घोषित आप कर नहीं पाए, परंतु आप विधानसभा क्षेत्र भी उनका बदल रहे हैं, तो ये सारी निराशा हमारे बीच में थी। हमने डट के काम किया था आदरणीय धूमल के लिए, घर घर गए थे और हर पूरे पांच सालों में हमने पूरा घर घर छाना है, तो हमें दुख है कि अब इस समय इलेक्शन से 15 दिन पहले आदरणीय धूमल जी अपनी विधानसभा क्षेत्र छोड़ के सुजानपुर जाते हैं, तो उससे आहत होके हमने ये अपना इस्तीफा दिया है। बिल्कुल, हम पार्टी के सिपाही हैं और धूमल जी के सिपाही हैं, हम धूमल जी के साथ हैं और उनके लिए दिन रात काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई काम करना छोड़ दिया है, हमने सिर्फ ये लोगों की इच्छा और कार्यकर्ताओं की इच्छा जाहिर की है कि जिन उन्हें बोला है कि आप इस तरह आज तक हमें गुमराह करते रहे, उसकी वजह से हमने ये इस्तीफा दिया है, उसको दिया है और उसकी कॉपी धूमल जी को भी की है, वो शायद मैंने नेट पे की है।